सीख। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे राजकुमार थे, किंतु उनका मन नहीं लग रहा था। एक दिन वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े। घने जंगलों में उन्होंने खूब तप किया, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। काफी दिनों तक शरीर को कष्ट दिया और भूखे प्यासे भी रहे। एक समय ऐसा आया जब वे हताश हो गए। उन्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वे सफल हो पाएंगे या नहीं। उसी क्षण महात्मा बुद्ध को प्यास लगी। वे उठकर एक झील के समीप पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। वह गिलहरी बार बार झील में डुबकी लगाती और बाहर आकर रेत में लौटती, पुनः झील में डुबकी लगाने दौड़ पड़ती। यह देखकर महात्मा बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गिलहरी के पास जाकर उससे पूछा, नन्ही गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, इस झील ने मेरे दो बच्चों को खा लिया है, इसलिए मैं इसे सुखा रही हूँ। महात्मा बुद्ध को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे फिर पूछा, तुम्हारे इस तरह करने से क्या यह संभव है? यह मैं नहीं जानती, परंतु जब तक यह सूख नहीं जाएगी मैं प्रयास करती रहूंगी, गिलहरी ने जवाब दिया। गिलहरी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोल पड़े, इस जन्म में तो यह संभव नहीं लगता। उनकी बात सुनकर गिलहरी ने कहा, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर शायद मैं इस झील को सुखा दूंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। महात्मा बुद्ध को गिलहरी की बात समझ आ गई। वे समझ गए कि हमें अपनी तपस्या में लगे रहना चाहिए, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, तभी हम अवश्य सफल होंगे।